आज न्यूज़पेपर खोलो या फिर टीवी ऑन करो, टीवी का कोई न्यूज़ चैनल ऑन करो, तो एक ही न्यूज़ बार बार आता है घूम फिर के कि एक 7 साल की लड़की का रेप हो गया, एक 14 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, एक 2 साल की लड़की का बलात्कार हो गया। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब ये न्यूज़ नहीं आता कि किसी लड़की का बलात्कार नहीं हो गया। आखिर कब तक चलता रहेगा ये? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने सुना ही होगा फूलन देवी, जो कि एक डाकू थी। क्यों बनी आखिर वो डाकू, क्यों बनी? आइए सुनाता हूं आज मैं आपको उन्हीं की कहानी। ये बात है 1979 का। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव में एक नौ चालक के घर में फूलन देवी का जन्म हुआ था। बहुत ही पुअर फैमिली का था थी वो। तो 11 साल की उम्र में उनके पिताजी ने एक बाईसाइकिल और एक गाव, मतलब काव, उसके लिए उनकी शादी करा दी। किसके साथ? वो भी फूलन देवी की एज से दुगना एज वाले एक आदमी के साथ। चलो ठीक है, शादी तो हो गया। शादी होने के बाद भी चैन से नहीं जी सकती थी वो। हर दिन पिटाई होती थी उसकी। फिर उसकी हस्बैंड ने निकाल दिया फूलन देवी को घर से। और जब वो वापस लौट के घर आई तो उसके पिताजी ने भी उनको निकाल दिया कि नहीं, तेरा शादी कर दी है मैंने, जा अब जा, अब तो अपनी पति के घर जाके संभाल। ऐसे छोटी मोटी तो मार तो होती रहती है ना, छोटी मोटी मार, एक 11 साल की लड़की को मारना एक छोटी मोटी मार, और वो भी रोज, क्या करती बेचारी। उसके पति ने तो उसको घर से निकाल दिया। तब 20 आदमियों की एक डाकू की गैंग फूलन देवी को अपहरण कर लिया और लगातार 15 दिनों तक बलात्कार करता रहा उस मासूम सी 11 साल की बच्ची के साथ। क्या करती बेचारी, कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद एक लड़का जो खुद भी एक अपर क्लास की था, तो उस लड़के ने फूलन देवी को वहां से रेस्क्यू किया, फिर उससे प्यार करने लगा और फिर उससे शादी की। उसके बाद दूसरा एक गैंग ने उस लड़के को मार दिया, मतलब फूलन देवी से जो प्यार करता था उस बंदे को मार दिया दूसरी एक गैंग ने, दूसरी एक डकैतों की गैंग ने। फिर फूलन देवी को वहां से रेस्क्यू, वहां से अगवा कर लिया और फिर उनके साथ बलात्कार करता रहा दिन रात। क्या करती बेचारी, बेचारी कुछ नहीं कर सकी। 11 साल की थी, कर भी क्या सकती थी, कोई तो नहीं था उसके पास सपोर्ट करने के लिए। और जो उनके उनके ऊपर ये जुल्म कर रहे थे वो तो सब बेकुट थे, वो तो सब डकैत थे, क्या करते। और पुलिस, उनका बात तो छोड़ ही दो। इसके बाद फूलन देवी के जीवन में आया एक मोड़। उसने ये सोचा कि मेरे ऊपर जो ये अन्याय हो रहा है, कोई तो मेरा साथ नहीं देगा, मैं क्या करूं, कोई मेरा साथ नहीं देता, क्या करूं मैं। तो उसने खुद जाके एक डकैत गैंग को ज्वाइन किया। और फिर पहले वाला जो 20 जो डकैत जो गैंग था, उस डकैत गैंग के 20 मेंबर को उस 11 साल की लड़की मात्र 14 वर्ष की उम्र में उस 20 लोगों को एक लाइन में बिठा के अपने गैंग के साथ यहां पे गोली मार के खत्म कर दिया सब लोगों को। अच्छा किया, मैं बोल रहा हूं अच्छा किया। क्या करती, सहलती, जुल्म सहती रहती नहीं, अच्छा किया मारा। और उसके बाद पहली जो पति थी उसका, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उनको जाके छोरी से घोपा, घोपता ही गया, घोपता ही गया, घोपता ही गया, मार दिया उसको। क्या करता, कोई तो उससे न्याय दिलाने के लिए नहीं आया था, कोई पुलिस नहीं आया था, कोई कोर्ट नहीं आया था, जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, जब उसके ऊपर दिन रात बलात्कार हो रहे थे, तब कोई नहीं आया था, अच्छा किया। और उसके बाद अगले जो गैंग ने फिर से उसका रेप किया था, उस पूरे गैंग को खत्म कर दिया फूलन देवी की गैंग ने। एक 14 साल की उम्र की लड़की ऐसा कर दिया, पूरे देश में मातम छा गया। फूलन देवी का नाम हर आदमी के, हर बच्चे के, हर बूढ़े के मुंह में जबान पे आ गया था कि ये कौन है, एक छोटी सी लड़की ऐसे की ऐसे की आग भड़क गई कि वो ये सब करने लगी। ये थी फूलन देवी। आज के डेट में ये करना सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उस टाइम पे
उसके साथ कोई नहीं दिया था। तो खुद को बचाना फर्ज है, अपने गीता में भी लिखा है, खुद को बचाओ पहले। अपने खुद के ऊपर जुल्म हो रहा है तो खुद को बचाओ पहले। और फिर पुलिस ने किया क्या, फूलन देवी को भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एकदम टॉप लिस्ट में कर दिया कि वो भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। क्यों भाई? अपने आप को बचा रहा था, अपने आप के ऊपर जो जुल्म हुआ था उसका बदला लिया तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। क्यों? जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा था तब पुलिस वाले कहाँ थे, तब कोर्ट कहाँ था, तब नहीं पकड़ पाया उन डेकोरेटर को, तब नहीं पकड़ पाया उन डाकू को। गर्व होता है ऐसे लड़की पर मुझे, और हम सबको गर्व होता है। उसने कानून अपने हाथ में लेकर अच्छा किया या नहीं किया ये तो, ये बातों में मैं नहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने जो किया दिल को तसल्ली मिल गया। ऐसा करना चाहिए, खास करके तब तक के टाइम में ऐसा ही करना होता। और फिर जब उनका बदला लेना पूरा हो गया, फिर भी पुलिस ने उनको 2 साल तक इधर उधर घूमता रहा, इधर उधर उनको ढूंढता रहा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। एक 16 साल की लड़की 2 साल पुलिस पूरे फोर्स लेके ढूंढता रहा, नहीं ढूंढ पाया। और फिर फूलन देवी ने खुद से जाके सरेंडर किया। उसके बाद कोर्ट ने उनको 11 साल की सजा सुनाई। जब उनकी उम्र 31 साल का थी तब जेल से रिहा हुई। जब उसकी उम्र 31 साल का थी तब वो जेल से रिहा हुई। और फिर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया गया, और फिर वो पिछड़े संप्रदाय के जो लोग हैं उनको भी बहुत हेल्प किया था। तो एक बार पार्लियामेंट से आते टाइम उनकी किसी भी एक दुश्मन ने उनको गोली कर दी और फिर मर गया, मर गई। मेरा ये कहानी बताने का मकसद क्या है? आज की डेट में पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है, कानून नहीं है, कोर्ट जज नहीं है, सब है। फिर क्यों हो रहा है रे? क्यों हो रहा है? कब तक चलेगा? पता है क्यों चल रहा है? पता है क्यों चल रहा है अभी तक? क्योंकि हम मर चुके हैं, ये हम सब मर चुके हैं, हम मुर्दे बन चुके हैं। हमारे अंदर सब कुछ है लेकिन हम बाहर नहीं निकलते। हमारे अंदर आग है, सब है, घुसता है, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते। हम चुप बैठे हैं क्योंकि हमारे अपने को तो कुछ नहीं हो रहा है ना, बाहर के किसी का कुछ कुछ हो रहा है, हमें क्या पड़ता है? मैं खा रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं मस्त हूं। हमें दुख होता है जब आप हमारे अपने को कुछ होता है तब हमें दुख होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कभी बंद नहीं होगा। तुम्हारे साथ अगर कोई जुर्म होता है किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे? कोई रात को अगर कोई लड़का एक लड़की को छेड़ देता है तो पुलिस के पास जाओगे कंप्लेंट करने? पुलिस पहले तुमसे पूछेगा कौन देखा था तब तुमको, ये लड़का छेड़ रहा था, कोई जाओ कोई गवाह लेके आओ। अब उस रात को कौन देगा तुमको गवाह? और अगर कोई देखता भी है तो कोई है जो तुम्हारे पास जाके कोर्ट में जाके गवाह देगा तुम्हारे लिए कि हाँ मैंने देखा है? कोई नहीं है। क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसा करे मारो उसको, उसी टाइम में मारो, और इतना मारो कि अगले किसी टाइम अगर कोई ऐसा करना चाहे तो दोबारा 10 बार सोचे, किसी ऐसा ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। हर लड़की उसमें कह रहा हो अगर कोई ऐसा करना चाहे या फिर करे भी तो उसी टाइम उसको ऐसा मारो, और अगर मार ना पाओ तो चिल्लाओ, लोग जड़ आदमियों को इकट्ठा करो वहां पे, ताकि कोई ऐसा करने से पहले सोचे। बहुत हो गया, अब जागो। और कितने दिन, और कितने दिन ऐसे चुप रहोगे? कितने दिन सहते रहोगे सब? जब तक तुम कुछ नहीं करोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो इसलिए खुद के लिए मैं लड़कियों से कह रहा हूं, खुद के लिए आवाज उठाओ। कोई अगर तुमको छेड़े मारो उसको, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद।